जी, इस वक्त हम लोग सर्विसेज हॉस्पिटल कराची में मौजूद हैं। ये सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर जो है 26 बिस्तरों जो है वो आइसोलेशन सेंटर कैम्प किया गया। यहाँ पर 40 का जो है वो बेड और होंगे इसके अंदर, और जो 26 बेड हैं इसके अंदर जो है वेंटिलेटर और दीगर जो है वो सहूलियात मौजूद हैं। और ये सर्विसेज हॉस्पिटल ख़ास तौर पर सरकारी अफसरान, सरकारी मुलाजमीन के लिए बनाया गया था, और इसके अंदर जो है कोरोना वायरस के हवाले से ये वार्ड यहाँ पर कैम कर दिया गया है। इसके अलावा 40 बिस्तरों का, जिस तरह हमने बताया कि यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर जो है इसका भी अहतमाम किया गया है, और यहाँ पर बड़ी तेज़ी से जो है काम जो है वो गुज़श्ता जून के अंदर ही ये शुरू किया गया था, और जो अभी आज 26 जून है और आज तक यहाँ पर जो मुकम्मल कर ली गई है सारी चीज़ें, और इस वक्त भी काम यहाँ पर जो है वो जारी है। लेकिन जो 26 बिस्तरों पर मुश्तमिल जो आइसोलेशन सेंटर है उसके अंदर जो है वो काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया, बकाया 40 जो बेड हैं उनके लिए काम इस वक्त जारी है। और कोरोना वायरस जो है दुनिया को इस वक्त जो है ये वबा जो है वो मुतासर कर रही है, और पाकिस्तान के अंदर भी इसके अभी तक जो है तकरीबन 2.25 लाख से ज़ायद जो है वो मरीज़ सामने आ चुके हैं, 3,000 से ज़ायद जो लोग हैं वो हलाक भी हो चुके हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पर भी जो है 3,000-4,000 मरीज़ जो है वो पाकिस्तान भर के अंदर जो है वो सामने आ रहे हैं। तो इसीलिए हेल्थ की तरफ जो है सिंध हुकूमत की ख़ास तवज्जो है, जिसकी वजह से ये सर्विस हॉस्पिटल को भी जो है कोरोना वायरस के हवाले से जो है वो तैयार किया गया, ताकि कोई भी आदमी, कोई भी पेशेंट जो है वो सीरियस अगर होगा तो उसको यहाँ पर लाया जा सकता है और यहाँ हॉस्पिटल के अंदर उसको एडमिट किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर डॉक्टरों की भी टीम मौजूद होगी, नर्सिंग स्टाफ भी मौजूद होगा, और यहाँ पर इस वक्त जिस तरह पीछे आप देख रहे होंगे काम भी जारी है। ये सामने आप देख रहे होंगे ये एक वार्ड जो है वो कैम किया गया है, कोरोना वायरस के आईसीयू वार्ड जो है ये कैम किया गया है। इसके अंदर जो जिस तरह मैंने बताया कि 26 बेड हैं, और 26 बेड जो है जिनके साथ वेंटिलेटर और दीगर चीज़ें इसके साथ जो है वो मुंसलिक हैं, ताकि कोई भी मरीज़ आए तो उसको जो है तमाम सहूलियात जो है एक ही जगह मिलें, उसको किसी और जगह शिफ्ट करना ना पड़े। तो इसलिए सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर जिस तरह कहा जाता था कि सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर वो सहूलियत मौजूद नहीं है, लोग प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जाते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत का ये एक और अहम इकदाम है जिसकी वजह से सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर वो अशिया, वो चीज़ें फराहम की जा रही हैं जो मरीज़ों के लिए ज़रूरी हैं। चाहिए आए इधर डॉक्टर फरहत अब्बास जो यहाँ के MS हैं, इनसे बात भी करते हैं और आइसोलेशन सेंटर का भी विज़िट करते हैं। चलें जी, इस वक्त हम सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर जो वार्ड तैयार किए गए हैं आइसोलेशन सेंटर के अंदर, वो उसको भी हम दिखाते हैं। आइए आपके साथ हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या तैयारियाँ की गई हैं, और कोरोना वायरस के शिकार जो है उनके लिए तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पर क्या इंतजाम किए हैं। ये एक एमरजेंसी सेंटर है, जिस तरह तिब्बी इमदाद के लिए ये बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये आप आइसोलेशन सेंटर आप देखें, ये इसके अंदर जो है 4 बेड जो है वो लगाए गए हैं, जिसके अंदर वेंटिलेटर भी मौजूद है, सब चीज़ें मौजूद हैं इसके अंदर, हर चीज़ मौजूद है। और यहाँ पर बिल्कुल तमाम जो है वो ये सब एयर कंडीशन है, और इसके अंदर जो बेड हैं आप देख रहे होंगे कि सारा मॉनिटर भी लगा हुए हैं, सब चीज़ें, ऑक्सीजन भी मौजूद है। और ये इसी तरीके से जो है हॉस्पिटल के अंदर इसी तरह का ये एक तैयारी की गई है, कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है, जो तशवीशनाक सूरत हाल में लाए जाते हैं उनके लिए तिब्बी इमदाद के लिए ये चीज़ें यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये सिंध हुकूमत की जानिब से ये इकदाम किए गए हैं। आइए और भी दिखाते हैं आपको फौरी। जी, ये भी 4 बेड का वो जो है ICU है, और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सब चीज़ें तैयार हैं, यहाँ वेंटिलेटर भी है, यहाँ ऑक्सीजन के लिए भी फौरी तौर पर चीज़ें, और कैमरामैन सादिक को कहूँगा ये चीज़ें दिखाएं आपको। ये बेड्स हैं, ये 4-4 बेड का जो है एक एक कमरा जो तैयार किया गया, इसके अंदर जो है आप देख रहे होंगे मॉनिटर भी लगा हुआ, ऑक्सीजन के लिए भी मौजूद है, इसके अंदर तमाम वो तैयारियां की गई हैं। और इसके अंदर आपको जिस तरह वेंटिलेटर्स हैं वो भी इसके साथ बेड्स के साथ, तमाम बेड्स के साथ मुंसलिक हैं। और ये बिल्कुल न्यू जो नई नया मतलब जिस तरह
वार्डों को सिंध हुकूमत ने कहा है कि हम कोरोना वायरस के लिए जो है हॉस्पिटल्स तैयार कर रहे हैं, उसके लिए ये तैयारियां की गई हैं। और इस हवाले से बहुत ज़्यादा ये जो 26 बेड हैं इनके साथ जो है वेंटिलेटर और ICU बनाए गए हैं, और 40 बेड जो है वो आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। तो ये 26 अभी 4-8 आपको बेड हमने दिखा दिए, इसी तरह हम चलते हैं आगे और भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये बेड बनाए गए हैं, ये जो है यहाँ पर वो लगा हुआ वेंटिलेटर है, ये वेंटिलेटर्स भी जिस तरह लगाए गए हैं इसके साथ बेड के साथ जो है तमाम एक एक बेड जो है 4 बेड यहाँ मौजूद हैं। यहाँ इसके साथ जो है वो आइसोलेशन में जो किट्स चाहिए होती हैं, जो ड्रिप्स चाहिए, तमाम चीज़ें यहाँ पर हर वार्ड के अंदर फौरी तिब्बी इमदाद पहुँचाने के लिए कोरोना वायरस का जो शिकार होते हैं उनके लिए मौजूद हैं। और ये वार्ड जिस तरह मैंने कहा कि जून के अंदर ही सिंध हुकूमत ने ऐलान किया था और इसको मुकम्मल जो है बड़ी तेज़ी से किया गया है, और आज जो है ये तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। और लेकिन 40 बेड जो आइसोलेशन उनको भी तैयारी अभी तैयारी उनकी भी की जा रही है, लेकिन ये इंतहाई जो है हाई जिसको बोलते हैं ICU है वो तैयार किए गए हैं जी। ये हम लोग जिस तरह सिंध हुकूमत की जानिब से आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, हाई जो ICU बनाए गए हैं उसके अंदर हमारे साथ डिप्टी MS हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या तैयारियां की गई हैं और कोरोना वायरस जो है इसकी वबा के लिए क्या क्या कुछ इकदाम किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ सर्विस हॉस्पिटल में हमने 40 बेडेड SGU बनाया है जिसमें कोविड के पेशेंट को रखा जाएगा। उसमें हम लोगों ने जो भी पेशेंट आएगा उसका जो है उसका जो तरीक़ेकार है वो इस तरह है कि पहले वो ER में आएगा, हमारा ER इमरजेंसी रूम है, उसमें उसकी असेसमेंट होगी, उसके बाद उसको वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। अच्छा, SGU में हमारा फ़कत बेड नहीं है, बाकी जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं ऑक्सीजन की, एक्सरे, इन्वेस्टिगेशन, जो भी मैनेजमेंट होगा उसका वो पूरा मैनेजमेंट हमारे पास SGU में है। ओनली एंड ओनली वेंटिलेटर पर जो पेशेंट जाना होगा वो हम रेफ़र करेंगे, बाकी SGU में सारी सहूलियात जिसमें ऑल इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे और कंसल्टेंट की फैसिलिटीज़, ICU टेक्नीशियन सारे लोग हमारे पास हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये तकरीबन 2 हफ्ते के टाइम में हमारे MS साहब और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट ने दिन रात मेहनत करके हम लोगों ने ये 2 वीक्स के पीरियड में हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है। इंशाल्लाह बाय टुमारो कल से ये फंक्शनिंग हो जाएगा। हमने डॉक्टर्स और ICU टेक्नीशियन उनको भी हायर कर लिया है हेल्थ डिपार्टमेंट की सपोर्ट के साथ, उनकी भी ड्यूटी शेड्यूल कर ली हैं, सारा शेड्यूल हमने अपडेट कर लिया है। खाने का बेहतरीन इंतज़ाम हमने किया है, मेडिसन्स, यहाँ जो भी पेशेंट दाखिल होगा उसको 1 रुपये का भी खर्चा नहीं होगा। और ये वैसे तो ये सर्विस हॉस्पिटल सिंध गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पे कोविड का हर पेशेंट आ सकता है, तो इसलिए और बार हाँ, लेकिन वो उसका तरीक़ेकार ये है कि वो कमांड सेंटर जो हमारा प्रोविंशियल लेवल पर है उसको हमें इंटीमेट करना पड़ेगा, उनके थ्रू वो पेशेंट आएंगे, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ इसमें अहम चीज़ ये है कि मैं आपको बताऊँ कि प्राइवेटली ये CM और मिनिस्टर हेल्थ की इंस्ट्रक्शन पे हम लोगों ने ये इस्टेब्लिश किया है। वजह ये कि प्राइवेटली बहुत महंगा पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में SGU ICU के 1.5 से 2 लाख रुपए पर डे की कॉस्ट होती है, तो ज़ाहिर है यहाँ पे हमारी कम्युनिटी में गरीब लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो उन लोगों की फैसिलिटी के लिए यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ये फैसिलिटी बनाई गई है। हमारे यहाँ इस SGU को चलाने के लिए हमारी पल्मोनोलॉजिस्टेंट डॉक्टर उस्बा फ़हीम जो MD हैं पल्मोनोलॉजी में, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे पोस्टेड हैं, ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। शी इज़ वेरी डेडिकेटेड लेडी, वो हमारी ओवरऑल इसकी एज अ कंसल्टेंट इंचार्ज हैं, वो आपको थोड़ा सा टेक्निकली बताएंगी कि हम इसको किस तरह चलाएंगे। डॉक्टर उस्मा फैन, देखिए वबा फैलने का तो ये है कि इस वजह से भी ज़्यादा वबा पे कंट्रोल पाना मुश्किल इसलिए हो रहा है कि हम लोग SOPs को एज अ जनरल पब्लिक फॉलो नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर्स तो किसी हद तक चूँकि पढ़ा लिखा तबका है तो काफ़ी हद तक हम लोग SOPs को फॉलो कर ले, और हम लोगों की भी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ये महसूस की कि सबसे पहले हम जो हैं इसका SOPs की फॉलोइंग को जो हम ज़रा स्ट्रिक्टली फॉलो करें। इसी तरह से हमने वार्ड को भी इसी तरह से बनाया है कि वार्ड के एंट्री पॉइंट्स और वार्ड का एग्जिट पॉइंट हमने बिल्कुल अलग अलग रखा है, यानी जो ड्यूटी डॉक्टर मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट के हैं, स्टाफ्स हैं, इवन वार्ड सर्वेंट हैं, स्वीपर्स हैं, एनीवन हु इज़ कमिंग, और मैं बीइंग अ कंसल्टेंट राउंड करने आऊँगी, या हमारे फेलो कार्डियोलॉजिस्ट फिजिशियन सब आएंगे, तो वो अपने PPEs के लिए हमने एक अलग सेपरेट रूम, वॉशिंग एरिया सामने वाली बिल्डिंग में बनाया, वहाँ से वो
अपने आप को ड्रेसअप करेंगे, वहाँ से ड्रेसअप करके एंट्री पॉइंट जहाँ से हम अभी आए हैं वहाँ से एंटर होके वार्ड्स में अपने जाएंगे। अभी आप जाके आगे देखेंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव जहाँ ड्यूटी उनकी असाइन हुई हुई है वहाँ पर वो 6 आवर्स काम करेंगे एंड मस्ट दे हैव फिनिश देयर ड्यूटी। आगे एग्जिट पॉइंट है जो हमने बिल्कुल बनाया है, उसके दोनों एंड्स पर हमने हैजर्ड बॉक्सेस रखे हुए हैं जिसमें वो बड़े वाले बैग्स लगाए हुए हैं, तो वो अपने पीपीस को, अपने गॉगल्स को, अपने वाइजर, ये सारी चीज़ें हम अपने पास से उनको दे रहे हैं। वाइजर शील्ड है, गॉगल्स हैं, पीपी है फुल, सारा चीज़ें वो करके, ग्लव्स हैं, मास्क हैं 95 मास्क वगैरह, वो सब चीज़ें अनड्रेस करके उनको डस्टबिन वेस्ट बॉक्स में थ्रो करके आगे जाके हमने फिर वॉशिंग एरिया बनाया। इफ़ दे वांट टू हैव अ शावर वो ले सकते हैं, उनके पास अपने सामान के लिए हमने उनको कबर्ड्स दिए वो करके, और एग्जिट पॉइंट से बाहर निकल के वो अपनी ड्यूटी ऑफ करके जा सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये जो हमने मैक्सिमम अल्टीमेट पॉसिबल अटमोस्ट पॉसिबल जो SOPs है उसको हमने फॉलो करने की कोशिश की है, बट देन अगेन इट इज़ एन इन्फेक्शन, वो हम लोग इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार भी हैं कि अगर लगता है तो फिर हमें क्या करना। और हमने ड्यूटी आवर्स भी ऐसे ही लगाए कि 14 डेज हम उनसे ड्यूटी कराएंगे और नेक्स्ट 14 डेज दे विल बी ऑटोमेटिकली ऑफ फ्रॉम देयर ड्यूटीज के क्वारंटीन, सेल्फ क्वारंटीन कर लें कि अगर कोई इन्फेक्टेड भी है तो दे कैन कम आउट ऑफ दैट। पीपीज हैं, मैं अपने हॉस्पिटल की बात करूंगी क्योंकि मैंने खुद, हम लोगों ने इन सब चीज़ों को मैनेज किया है, तो हमने मेक श्योर किया है कि हमारे पास पहले सारा सामान हो जाए तभी हम डॉक्टर्स को असाइन करें और उनको ड्यूटीज़ बताएं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने दिनों में आज पॉसिबल हुआ है जब सारा सामान तैयार है, क्योंकि डॉक्टर्स की भी यही रिजर्वेशन थी कि आपके पास सामान है कि नहीं, तो उनको एक एक चीज़ दिखा दी गई है, बता दी गई। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दूसरे हॉस्पिटल्स की बात नहीं करी, अपने हॉस्पिटल की बात करूँ कि हम वी आर वेरी वेल इक्विप्ड, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है डॉक्टर्स के हिसाब से, पूरी किट है, गॉगल्स हैं, शील्ड वाइजर जो कहलाता है वो है, ग्लव्स हैं, मास्क है, एवरीथिंग इज़ देयर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हमने अपने उसमें जो नीड है वो पूरी की हुई है। डॉक्टर साहब क्या कहती हैं कि ये जो इस वक्त जो इसके अंदर 26 जो है वो ICU हैं और बकाया 40 बेड जो है आइसोलेशन, तो ये कम नहीं होंगे क्योंकि शहर इतना बड़ा है, करोड़ों की आबादी है, इसके अंदर इतने लोग हैं और ये 40-50 बेड, ये क्या करेंगे इसके? देखिए ये टेस्ट केस था हमारे लिए कि हम क्या कर सकते हैं। ये जो हम काम ने 12 दिन में किया है ये कहीं से भी आपको 2 महीने पहले नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप हमसे बात करना चाहें तो हम आपको बता दें कि इसकी हालत आप हम जो नज़र आ रही है आपको, दीज थिंग्स एवरीथिंग इज रिनोवेटेड। तो यहाँ जो काम हुआ है वो दिन रात काम हुआ है, 3-3 बजे तक MS मौजूद रहते हैं, 2-2, 1.5 बजे तक हम रहे हैं, हमारे पास एक DS साहब थे वो हमारे सर पे सवार रहते थे कि नहीं जी करना है। तो इस ये बात जो आप कर रहे हैं कि कम है बेड, हम मानते हैं कि हिसाब से कम है, लेकिन ये चूंकि पहला सेंटर है और इसी को देखते हुए हमारे DS साहब ने जो है वो जाके मैडम से बात की और उनका विजन अब ये है कि कतर हॉस्पिटल, कोरंगी हॉस्पिटल, लियाकताबाद, एक और न्यू कराची हॉस्पिटल, यहाँ सब जगह पर जो हॉस्पिटल हमारे एग्जिस्टिंग थे उनमें हम ऐसे ही फैसिलिटीज़ बनाने जा रहे हैं। और मेरा ख्याल यह है कि उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये चल पड़े एंड वी विल नो कि हम कहाँ लैक कर रहे हैं, हमें और क्या चाहिए, तो हम शायद हमारे पास ये प्रपोज़ल है कि हम इसके फर्स्ट फ्लोर पर भी बना लें। तो अगर ये हो जाए शुरू तो हम देखें कि हम क्या चीज़ लैक करते हैं, क्या चीज़ हमारे लिए पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि हमने अभी अपने सारे डॉक्टर्स, अपने ICU टेक्नीशियंस हायर किए हैं रिसेंटली, कुछ सर्विसेज हॉस्पिटल वालों को MS हेल्थ मिनिस्ट्री वालों ने दिए हैं, कुछ हमें उन्होंने कहा है कि हायर करें, तो हमने इस तरह हायर किए। तो मसला यही है कि हमारे पास स्टाफ भी तो हो ना, अगर हम बेड्स डाल दें और स्टाफ नहीं हो तो इट्स यूजलेस। तो हम जितना अभी मैडम ने हमें कहा 40 बेड निकालो, हमने निकाल दिए। अब उम्मीद हम ये करते हैं कि काम शुरू हो गया है कोरंगी में, लियाकताबाद में, न्यू कराची में, औरंगी में, चारों जगह काम शुरू हो गया है। इस पर हम उम्मीद यही करते हैं कि अपने अपने इलाकों में इंशाल्लाह उनको सहूलत मिल जाएगी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि एक बहुत बड़ा विजन है सिंध हेल्थ मिनिस्टर का, सिंध CM का, एंड वी शुड हाईलाइट इट एंड वी शुड अप्रिशिएट देम। हमने भी इतने साल नौकरी किए, इस तरह काम करते हुए हमने कभी भी नहीं देखा, जिस तरह मिनिस्टर साहिबा खुद न दिन देखती हैं न रात देखती हैं, दोपहर में चली आ रही हैं, शाम में चली आ रही हैं, एंड इट इज़ अ सरप्राइज फॉर अस, सो वी ऑल हैव टू बी वेरी अलर्ट। थैंक यू लियाकत साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया वालों का, आपका कोऑपरेशन हमारे साथ हमेशा से रहा है। आपने जिस तरह विज़िट कर लिया, अभी आप मेल वार्ड में खड़े हैं, यहाँ पे 20 बेड का हमने बंदोबस्त किया है, ये आप देख रहे हैं,
ये डबल हेड पैनल हमने लगाए हैं ऑक्सीजन की, और मेडिकल एयर की लाइनें लगी हुई हैं, बेड लगे हुए हैं, और हमने खसूसन ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं ये हमने फॉरन से मंगवाए हैं। और आप बाकी हमारी इमरजेंसी रेडी वन का विज़िट कर चुके हैं। आपको पता है कि जैसे ही कोरोना का फर्स्ट केस सिंध में डायग्नोज हुआ तो सिंध गवर्नमेंट वाहिद है जिसने सबसे पहले हमारे सीएम साहब ने, हमारी हेल्थ मिनिस्टर ने, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने इकदाम उठाए। सबसे पहले उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बनाया, स्कूल बनाए, और इस इनकी सिंध गवर्नमेंट की, हमारे सीएम साहब की क्यादत में या पाकिस्तान पीपल बिलावर साहब की क्यादत में इस वक्त दुनिया की तमाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगी, वर्ल्ड हेल्थ अथॉरिटीज़ होगी, दुनिया के डिफरेंट मुल्क के, वो सिंध गवर्नमेंट की कोरोना के बारे में जितने भी इकदाम किए गए उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो हम भी शुक्रगुजार हैं हमारे सीएम साहब ने जिस तरह तगदो करके मेरे इस वार्ड में, मेरे इस हॉस्पिटल में, सर्विस हॉस्पिटल में दो दफ़ा सीएम साहब आ चुके हैं, दो दफ़ा हेल्थ मिनिस्टर साहब आ चुके हैं, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी काजम जतोई साहब और उससे पहले हेल्थ सेक्रेटरी वो भी आ चुके हैं, अब्बासी साहब आ चुके हैं। लेकिन मेरा मतलब है कि एक ये सारा काम होता है टीम वर्क के तहत। मुझे अपने बॉसेस की, हमारे हायर अथॉरिटी की फुल सपोर्ट रही है। उन्होंने मुझे आके ऑर्डर दिया कि यहाँ पे, क्योंकि कराची में प्राइवेट हॉस्पिटल में और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में स्पेस ख़त्म होती जा रही है, कराची को लोग या सिंध के अवाम को कोविड 19 पेशेंट को बहुत मुश्किलात का सामना है, आप जंगी बुनियादों पे काम करें और मुझे ये कम से कम टाइम में आप ये एडियो बना के दें। हमारे आशिक साहब जो आपके सामने खड़े हैं, स्टीवर्ड हैं, इनका भी दिन रात मेरे साथ, अगर मैं 10 बजे आया तो मेरे साथ ये 10 बजे तक खड़े रहें, और अगर मैं रात को 2:30 बजे तक गया हूँ इन्हीं दिनों में तो ये मेरे साथ 2:30 बजे तक मौजूद है। मैं इनका हेल्थ डिपार्टमेंट का और अपनी हेल्थ मिनिस्टर का, सीएम का और आप मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो आप हमें टाइम दे रहे हैं, और आपसे भी उम्मीद रखता हूँ कि इन चीज़ों को आगे फैलाएँगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसा आपने बताया कि ये एक एक्सरे मशीन आपने बताई है, ये वेंटिलेटर है साथ लगा हुआ है, ऑक्सीजन जो मास्क हैं ये चीज़ें लगाई गई हैं, ये ज़रा थोड़ा सा ये पेशेंट मॉनिटर है। अच्छा है। ये हमारी ईसीजी मशीन है, ये भी क्वारंटाइन है, ये आपके पास डिफिब्रिलेटर है, ये भी हमने जर्मनी से मंगवाया है, ये बाईपैप है, ये इसका काम ये होता है कि अगर किसी बंदे को डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, शार्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो रही है तो ये हम उसको लगा देते हैं, उसमें फिर वेंटिलेटर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दैट इज़ जस्ट लाइक मिनी वेंटिलेटर। हमने ये जो बंदोबस्त किया है डबल पैनल बेडेड का, इसमें अगर हम इन केस आज कोरोना है, 4-5 मिनट कोरोना नहीं होगा तो हम इनको अगर वेंटिलेटर लगा देंगे तो यही हमने इसका बंदोबस्त किया है कि यही ICU जो है यही ICU में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। हमने हर चीज़ का वो ख्याल रखा है, तो आपके सामने ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है। और मज़ीद कोई आप पूछना चाहते हैं तो? और क्या क्या है इसके अंदर? हम चाहते हैं कि क्योंकि ये एक पहला हॉस्पिटल है कराची के अंदर और सिंध के अंदर जो इस तरीके से कैम किया गया, हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब आप सारी चीज़ें जो है वो, क्योंकि हम रोज़ TV जो है इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि इस वक्त दुनिया भर के अंदर जो कोरोना वायरस है इसने, इसकी वबा ने जो है दुनिया पूरी को जो है अपनी लपेट में ले लिया, हलाकतें भी हो रही हैं और लोग जो है वो पेशेंट जहाँ जाते हैं वो गिला भी करते हैं कि हमें कोई सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर, आइसोलेशन सेंटर्स के अंदर देखा नहीं जाता, उसकी क्या वजूहत है, वो क्या होता है? सिर्फ ये बता दूँ, ये HDU जो हमने बनाया है इसमें हर वो फैसिलिटी मौजूद है जो कि आपके कराची के या पाकिस्तान के बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में मौजूद है इसमें। हाँ, लेकिन पेशेंट जाते हैं जो कोरोना वायरस का शिकार होते हैं, ज़्यादातर जो है वो सिंध हुकूमत ने बड़ी अच्छी कोशिश की कि वो उनको अपने घरों पर आइसोलेशन में रखा हुआ है, लेकिन काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स के अंदर 300 से ज़्यादा जो है लोग वो आते हैं, लेकिन लोग घबराते क्यों हॉस्पिटल्स के अंदर कोरोना वायरस का जो शिकार हो जाते हैं उसको, उनको ये आपने बहुत अच्छा, लियाकत साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखो, कोरोना वायरस कोई अभी की बीमारी नहीं है, ये सदियों से चलती रही है, जब से हमारी हिस्ट्री है कोरोना बैक्टीरिया फंगाई पैरासाइट ये हमारे साथ मौजूद हैं। कोरोना वायरस का नाम पहले 1960 में दिया गया, इसकी 7 कोरोना की मेरा मतलब है इन्फेक्शन जो है ये इनके आ चुके हैं, जिसमें से मेरा मतलब है जो 2002 में आया था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और अभी जो वही वर्जन जो आया है अभी आके ये एक नई बीमारी है, क्योंकि बाकी वायरस की, बाकी बैक्टीरियाज के मामले वैक्सीन ईजाद कर लिया है या मेडिसिन आ गई हैं, क्योंकि ये अभी इसी कोरोना का नया एक वर्जन आया है इसलिए अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं आई है, इसको सास कोरोना वायरस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2 का नाम दिया है हमने।
लेकिन इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सिर्फ जो लोग घबराए हुए हैं, ये पूरी मीडिया चीख रहा है, ये भी एक तरह का एक जो कॉमन कोल्ड होता है जो सर्दियों में होता है, ये लोगों के घरों में हर वक्त नज़ला खांसी ज़ुकाम रहता है, वो भी एक किस्म की कोरोना ही होती है, लेकिन उसका आउटब्रेक या उसका फैलने का ये एक से दूसरे लगने का रेशन बहुत कम होता है। ये जो बीमारी आई है ये इसका आउटब्रेक इतना तेज़ हुआ है कि विद इन 3 मंथ में देखो ना ये पेंडेमिक हो गया, पूरी दुनिया में फैल गया है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात है जो दुनिया चीख रही है, लोग डरे हैं, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। पहले कोरोना में भी जो पहले बताएं उसमें भी लोगों की डेथ होती हैं, ये उनको लगती हैं बीमारियां, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए कह रहे हैं कि इसको आउटब्रेक इतना तेज़ हो गया तो आप एहतियाती तदबीर करें। बीइंग मुसलमान हमारा ये पहले फ़र्ज है, सफाई नस्ल ईमान है, और हम ये भी कहते हैं कि एहतियात ही इलाज से बेहतर है, और इसकी एहतियात जो है कोई इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है कि हम बिला वजह कहते हैं कि यार आप अगर बैठ खड़े हैं तो आप सोशल डिस्टेंस रखें, घर से निकलते हुए हर 15-20 मिनट बाद अपने हाथ साबुन से धो लिया करें, और घर से निकलें तो मास्क पहन लिया करें। अगर वैसे कोई बीमार है तो वो घर पे रहे, बिला वजह घरों से न निकले, क्योंकि आपने देखा है कि पहले स्पेनिश फ्लू आया था 1918 में, उसमें भी 5 करोड़ के करीब डेथ हुई थी, लेकिन उस वक्त मीडिया या ग्लोबल वर्ल्ड नहीं था, इतना फास्ट नहीं थे, ये चीज़ें नहीं थी, ये उसने अटैक किया था यूरोप में और अमेरिका में, कनाडा में, दुनिया के 1/4 आबादी उसमें इफ़ेक्ट हो गई थी। लेकिन इसमें जिन जिन मुल्कों ने ये एहतियाती तदाबीर किए हैं, जिन स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनी अपनाई है, तो अब आपके सामने है कि ये सबसे पहले चाइना में आया था। चाइना में क्यों 3,500 की डेथ है, क्योंकि उन्होंने मेरे मतलब सख्त रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई करके आवाम को इतना एक उन्होंने किया, उनको फैसिलिटी दी, क्वारंटाइन किया, उन्होंने अपने पेशेंट को जो थे उनको अलग किया, पोर्ट अपना एयरपोर्ट और पोर्ट को सील करके अपना उन्होंने इतनी ज़्यादा उनकी टेस्टिंग की कि जो बीमार थे उनको अलग कर दिया था, जो कैरियर थे उनको बता दिया, अपने ये तदाबीर जो सेहतमंद हैं उनको वर्क की इजाज़त दे दी। तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो जिन जिन मुल्कों ने ये तदाबीर इख्तियार के साथ, ताइवान है, स्विट्ज़रलैंड है, जर्मनी में है, उनके रिज़ल्ट आपके साथ ही हैं, लेकिन आपके सामने ख़ुद ही देखें कि हमारा मुल्क डेवलप नेशन तो है नहीं, अमेरिका में, यूरोप में दे आर डेवलप नेशन, उन्होंने भी हमारी तरह मेरे मतलब है या केयर नहीं की, इसको लाइट लिया, तो उनके हेल्थ सिस्टम भी जवाब दे चुके हैं। तो इसमें सिर्फ जो डॉक्टर या अपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको सिर्फ ये कह रही है कि आप एहतियात करें, डरे नहीं, ये एक तरह का इन्फेक्शन है जिसको जो कि उन लोगों को ज़्यादातर अटैक करता है या उन पर मेरा मतलब है वो हो जाता है, बीमारी लगती है, बीमारी होती है जिनको नुकसान पहुंचाती है अबव 50-55 विद मेडिकल कंडीशन, जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, अस्थमा है या हार्ट की कोई बीमारी है, उनको सफ़र करता है। जिस तरह स्पेनिश फ्लू 1918 में आया था, उसने जो लोगों को जिसमें इफ़ेक्ट हुए उनकी उम्रें 15-45 साल थी, अब इसी तरह जो यहाँ पे जो फिगर आ रहे 50-70 साल को ज़्यादा आ रही है। लेकिन क्योंकि एक ये बीमारी है, बीमारी का इलाज भी हमने करना है, हमें पता है हमारे पास वसाइल भी कम है, हम डॉक्टर नर्सेज पैरामेडिकल जिस तरह पूरी दुनिया में जंग लड़ी जा रही है, पाकिस्तान के भी डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज और हेल्थ केयर वर्कर जो हैं आपके शाना बशाना खड़े हैं, वो भी आपके साथ मॉर्बिडिटी रेट में, मॉर्टेलिटी रेट में आपके साथ शामिल खड़े हैं। हालात जो भी होंगे हम आपका और आवाम के साथ इंशाल्लाह ताला अपनी क़यादत के साथ मिलके इस जाम पे फतह याब हो जाएंगे। एक तो ये इस वक्त शॉपिंग सेंटर्स खोल दिए गए, फिर उसके बाद जो है दुकानें कारोबार खोल दिया ईद के बाद जो है, और सिंध के अंदर तो बहुत कम पेशेंट थे, लेकिन अब जो अंदाज़ा हो रहा है कि 74-75 हज़ार से ज़्यादा वो हो गए हैं, हलाकतें भी तकरीबन 1200 के करीब सिंध में हो गई हैं, पाकिस्तान भर में तो 4000-5000 से ज़्यादा हो गई हैं। तो ये क्या है कि लोग जो है इससे बचने के लिए क्या क्या तदबीरें जो है वो कर सकते हैं लोगों को? असल में वजह ये है कि हमारे जो शहरी हैं और या हमारे जो अदारे हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, ज़िला सिंध जो हमारे मुराद अली शाह हैं वो कहते हैं स्टिक जो लॉकडाउन होना चाहिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी कहते हैं कि स्टिक होना चाहिए, पहले जान बचाई जाए फिर उसके बाद सारे काम किए जाएँ, लेकिन लगता है कि सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत जो एक आपस में इनकी टेंशन है उसकी वजह से जो है वो पब्लिक जो है वो उस तरीके से अवेयर नहीं हो पा रही जिस तरीके से डॉक्टर्स पैरामेडिकल डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप SOPs पर अमल दरामद करें। हमने देखा कि उससे पहले अब जब लॉकडाउन अभी फिर 43 UC में सिंध के अंदर भी कायम कर दिया गया, अभी तक जो है
कराची के अंदर लॉकडाउन है 2 जुलाई तक, लेकिन उसके अंदर पेशेंट्स की कमी होती जा रही है लॉकडाउन की वजह से। ये जो कारोबार खोला था उसकी वजह से बढ़ा, तो इससे अब कोई असर दोबारा ये जब 2 जुलाई के बाद कारोबार खोलेगा तो असर नहीं ज़्यादा पड़ेगा और हॉस्पिटलों पर और डॉक्टरों पर ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा? नहीं, ये मैं पहले कहता, देखो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि हमारी सिंध की क़यादत, खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी क़यादत, जो हमारी यंग क़यादत बिलावल साहब हैं, हमारे उनकी जो कप्तान हैं सैयद मुराद अली शाह हो गए, अपना हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं अजरा पेचो साहबा, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, एजुकेशन मिनिस्टर हैं सईद गनी साहब। मैं कह रहा हूँ जिस दिन से फर्स्ट केस आया उसी दिन से इन्होंने बड़े सख्त मेजरमेंट लिए हैं, और उन्होंने स्कूल आपके बंद करने का फैसला वो भी सिंध गवर्नमेंट का, क्वारंटाइन बनाने का फैसला वो भी सिंध गवर्नमेंट का। जिस दिन से केस है उसी दिन से हम हमारे तमाम हॉस्पिटल में हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने और हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने, हमारे सीएम साहब ने इंस्ट्रक्शन जारी किए तमाम हॉस्पिटल में ये क्वारंटाइन सेंटर या आइसोलेशन सेंटर बनाए जाएँ, ICU बनाए जाएँ, ADU बनाए जाएँ। मेरा मतलब है कि मैं ये जानता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और हमारे CM साहब ने भी अच्छे इकदाम लिए हैं। हम पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते, उन्होंने भी जो उनके भी तरफ से मैसेज आए हैं या गवर्नमेंट की तरफ से जो मैसेज आए हैं ये अवाम की बेहतरी के लिए हैं। अब इनको फॉलो करना अवाम का काम है। मैं आपको एक वादा तौर बता दूँगी, कोई भी जंग, कोई भी चीज़, इकोनॉमिकली तरह या कोई पॉलिटिकल वार हो या कोई हमारी सरहदों पर जंग हो, वो कभी भी अवाम की तावन के बगैर नहीं जीती जा सकती। और ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा मेडिकल क्राइसिस है जो कि पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है। जिन जिन मुल्कों ने और जिस अवाम ने तावन किया है वो सुरखरू भी हो रहे हैं, वो कामयाब भी हो रहे हैं। आपने देखा होगा न्यूजीलैंड में भी केस के ख़त्म हो गए हैं, चाइना में भी ख़त्म हो रहे हैं, ताइवान में भी ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन ये पॉलिसियाँ तो हैं। अब आप डॉक्टर्स, आपके CM साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये लॉकडाउन लगा सकते हैं, लेकिन फॉलो तो हम अवाम को कर रहे हैं ना, हम डॉक्टर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। जब तक अवाम का कोऑपरेशन नहीं होगा ये हम जंग नहीं जीत सकते, वादा तौर पर आपको बता दूँ। आवाम को आप क्या पैगाम देंगे? आवाम को हम पैगाम, हम डॉक्टर, आपका मीडिया, हमारी क़यादत, ये बड़े ऐसे तरीके से इनको अवेयरनेस प्रोग्राम दे रहे हैं। इसका प्रोग्राम भी कोई इतना महंगा या सादा नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं कि देखो घर घर में साबुन तो है, ये तो नहीं कह सकते घरों में साबुन नहीं है, हर 20-25 मिनट बाद अपने हाथ धो लिया करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये बीमारी को ऐसे लगती भी नहीं है, हवा में उड़ के लग जाएगी या आपके गले मिलने से लग जाएगी। सिर्फ जो भी कंटामिनेटेड जहाँ पे ये जरासीम पड़ा होता है, ये जरासीम फैलता किससे है? खांसी से, स्नीजिंग से, बात करने से, एरोसोल से। तो उसके लिए सिर्फ यही जो WHO या आपकी क़यादा, ये मीडिया आप भी कह रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंस रखें, तकरीबन 3 फुट का फासला, जो जिसको कफ आ रहे या स्नीज आ रहे वो 6 फुट का फासला रख ले, यही कह रहे हैं ना, क्योंकि ये जरासीम है ये आपको इतने फासले से लग सकता है। अब ये तो नहीं है, ये तो हमारे आवाम के बस में है, मेरे और आपके बस में है। अगर यही रख लेते हैं हम प्रोटोकॉल या SOP फॉलो कर लेते हैं तो कुछ भी नहीं होता, साबुन से हाथ धो लिया अगर हर 20 सेकंड बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये इन्फेक्शन हमारे हाथों से लगेगा, जब तक हम हाथ ये मुंह, नाक या आंखों तक नहीं लेके जाएंगे, यही द सोर्स है, यही फैलाने का सोर्स है सबसे बड़ा, और ये भी एहतियात हमारे हाथ में ही है। सेकेंड, हम ये कहते हैं देखो हमें नहीं पता कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं है, अगर कोई केयर नहीं कर रहा है तो उसके लिए सबसे हम ये कह रहे हैं कि आप मास्क पहन के बाहर निकलें, गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से बाहर ना निकलें, ठीक है? और अगर कोई निकलता भी है तो आपके जगह जगह पे हम तमाम दुकानदारों को गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी है कि जो भी शॉप्स वाले हैं या बिजनेसमैन हैं वो अपने सैनिटाइज़र रख लें, अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर लें। अगर हम पता है ये भी आपको देखो मजबूरी है, वी आर डेवलप्ड नेशन नहीं है, हर एक के पास सैनिटाइज़र नहीं हो सकता, लेकिन इसलिए बार बार कहते हैं कि आप अपने हाथों को धो लिया करें। इस वक्त सर्विस हॉस्पिटल में मौजूद हैं, यहाँ पर हाई आइसोलेशन सेंटर्स जो है वो कायम कर दिए गए हैं और डॉक्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, और कोरोना वायरस जो है दुनिया भर में अपनी वबा का से जो है लोगों को हलाक भी कर रहा है और पूरी दुनिया को इसने परेशान भी किया हुआ है, और डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ जो हमारा है वो भी इसके लिए मुकाबले के लिए तैयार है, उनके इलाज के लिए भी अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है, और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने भी जो है वो पाकिस्तान को ख़ास तौर पे वार्निंग दी है कि इसके अंदर जून जुलाई और अगस्त के अंदर जो है पेशेंट्स बढ़ने का ख़तरा और हलाकतें भी बढ़ सकती हैं। तो डॉक्टर शकील हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं जी डॉक्टर? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। एक्चुअली क्या है कि COVID-19 एक वायरस है और उस वायरस की कोई भी अभी तक वैक्सीन मौजूद नहीं है,
उसका हल, उससे बचने का हल यही है कि आपने प्रिवेंशन की तरफ जाना है, और प्रिवेंशन उसकी यही है सोशल डिस्टेंसिंग। रूट इसका फैलने का नाक, मुंह, कान, आँखें, ये हैं। आँखें और कान वहाँ से बहुत माइनर जो है क्या कहते हैं मतलब केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन हो सकता है। अब प्रिवेंशन करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा ग्राफ भी नीचे जाता रहेगा और पेशेंट्स में कमी भी आती रहेगी। इन SOPs पर हमने जो है क्या कहते हैं काम करना है। SOPs के हवाले से हमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। मेरा आवाम को यही पैगाम है कि आवाम SOPs पर अमल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ बार बार जो है धोए, कहीं भी थोड़ा सा उन्हें शक हो कि कहीं किसी चीज़ पे या कहाँ कहीं किसी पेशेंट के हवाले से किसी से मिलें, डायग्नोज ना भी हो लेकिन अगर किसी को नज़ला है, खांसी है, उससे थोड़ा डिस्टेंस रखें। मास्क तो पहने ही रहें, घर में अकेले हों तो वहाँ पर जो है क्या कहते हैं मास्क को उतारें। कोशिश करके इन SOPs पर अमल करें तो केसेस भी रिड्यूस होंगे, और वैसे पीक लेवल कहा जा रहा है WHO की तरफ से कि जून जो है वो और जुलाई पीक लेवल है, लेकिन इस पीक लेवल को हम बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं जिस तरह से इस वक्त हमारे पास केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं बनिस्बत जो प्रीवियस जो ग्राफ था उसका, केसेस का पॉजिटिव जो हो रहे थे। तो वो चीज़ें वो सारी हमारे और हमारी आवाम के हाथों में, वो जितना केयर करेंगी SOPs को फॉलो करेंगी उतना ही आसानी से जो है क्या कहते हैं इस पेंडेमिक सिचुएशन पर कंट्रोल हो सकता है। वायरल पेंडेमिक सिचुएशन है पूरी दुनिया में है, हर जगह केसेस पॉजिटिव हो रहे हैं। चाइना में बिल्कुल ख़त्म हो गए थे लेकिन फिर इक्का दुक्का केसेस दोबारा से रिपोर्ट हुए हैं। तो आपने जो है क्या कहते हैं स्टैंडर्ड SOPs गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है क्या कहते हैं बारहा मीडिया के तवसत से, आप लोगों के तवसत से अवाम को और हर जगह पर जो है क्या कहते हैं वो आगे बढ़ा दिए हैं। अब उन SOPs पर अगर हमने अमल करना है तो जिस तरह से हम अभी अमल कर रहे हैं तो माशाल्लाह से काफ़ी केसेस में कमी जो है क्या कहते हैं पाई जा रही है, और ये और भी रिड्यूस होगा। ये सब कुछ हमारे अपने ही हाथों में। मेरा मैसेज सिर्फ अवाम को ये है कि खुदारा अपने आप को आप खुद ही बचा सकते हैं। गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट कर रही है, गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने ICUs, HDUs हंगामी बुनियादों पे इस्टेब्लिश करवाएं। सर्विसेज हॉस्पिटल का ये ICU और HDU 12 दिन के शॉर्ट पीरियड में दिन रात काम करने के बाद ये आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो गवर्नमेंट तो ये सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ तक मेरी दुआ ये है कि यहाँ तक मरीज़ आए ना, मरीज़ ही ना आए, हर कोई सेहतमंद रहे, अपना ख्याल रखे और दूसरों का भी ख्याल रखे। कैमरामैन सादिक अली के साथ लियाकत मुगल, रोज़ न्यूज़, कराची। रोज न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुँचती रहें।